और कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ इन दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर के पहलवान गोलबंद हैं और लगातार बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इधर गिरफ्तारी की मांग अब बिहार में भी पहुंच गई है। राजधानी पटना में जाप खेल प्रकोष्ठ ने प्रदर्शन करते हुए बृजभूषण सिंह का पुतला फूंका और बृजभूषण सिंह के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग की है। मान सम्मान गौरव स्वर्ण पदक लाने वाली बेटियां, ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन करने वाली बेटियां, देश की बेटियां सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रही हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। लगातार वो कह रही हैं कि हमारे फेडरेशन के जो अध्यक्ष है बृजभूषण, हमारा यौन शोषण कर रहे हैं। 1000 लड़कियों का उन्होंने यौन शोषण कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद ना तो अभी तक FIR दर्ज होती है। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर क्या FIR में है ये भी पता नहीं है जो FIR किए हैं, और उसके बावजूद ना तो फेडरेशन के अध्यक्ष का इस्तीफा, लगातार नरेंद्र मोदी की चुप्पी, दिल्ली सरकार की चुप्पी, इसके खिलाफ में हम लोग आज सड़कों पे हैं। जब तक उन बेटियों को न्याय नहीं मिलता, जन अधिकार पार्टी खेल प्रकोष्ठ सभी प्रकोष्ठों के लोग सड़कों पे रहेंगे। उस बेटियों के साथ हमारे नेता पप्पू यादव जी ने जाकर उन्हें आश्वासन दिया था कि बिहार उनके साथ है, बिहार की 11 करोड़ जनता, चूंकि वो देश के लिए खेलती है, किसी एक राज्य के लिए खेलने वाली बच्चियां नहीं है। देश के भविष्य का सवाल है और देश के अस्मिता का सवाल है, जिसके साथ हम लोग लड़ने और मरने को तैयार है। जब तक बृजभूषण को जेल नहीं होता, इस्तीफा नहीं देता, तब तक हम लोग ऐसे ही सड़कों पर लड़ते रहे। तो रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।